subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, आपका फेवरेट शो लेके जिसका नाम है घर घर बिग बॉस। घर घर बिग बॉस। नवीन जी, शुरुआत करते हैं एक नए ऑडियो से। जी नए मतलब बोले तो पहली बार भेज रहे हैं। ओके सुनते हैं क्या कहते हैं। हेलो भाजी, बलबीर सिंह बोल रहा हूँ रामपुरा फूल से। भाजी ये शहनाज गिल के बारे में बात करनी थी आपसे। ये शहनाज गिल ना घर में लैला मजनू की कहानी बनानी चाहती है। घर में ये सिद्धार्थ शुक्ला को चाहती है कि मजनू की तरह ये इसके लिए पत्थर भी खाए, भट्टे भी खाए और सबके घर वालों से झगड़े भी। लेकिन ये खुद वैसी लैला नहीं बनना चाहती, खुद ये बनना चाहती है लैला। वो नई वाली लैला थी ना 21वीं सदी की, लैला हो लैला ऐसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझे मिलना अकेला। तो ये है, खुद तो ये फ्लिप है तो दूसरे को सिद्धार्थ शुक्ला को चाहती है कि ये हर जगह जब भी ये इसको बुलाए आवाज मारे तो वो आ जाए फटाफट से। ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है जी। वो भाजी सिद्धार्थ की गेम खराब कर रही है, मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल भी। आप बताइए इसके बारे में क्या कहते हैं। तो बलबीर सिंह जी बोल रहे हैं गांव का नाम शायद रामपुरा। ये तो हाँ। ये तो पंजाब में रामपुरा बोल रहा है बठिंडा के पास में। तो ये तो इन्होंने कोई नई ही नई कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन बट अच्छा है क्योंकि एक्चुअली पोजेसिवनेस तो वैसे ही है कि मेरे लिए सिद्धार्थ शुक्ला मतलब आसमान के तारे तोड़ के लाए और किसी की तरफ मत देखे, सिर्फ आसमान की तरफ देखे, तारों की तरफ देखे, वैसा कुछ है। बट कहीं ना कहीं शनाज सही भी है। आपको बताऊं कभी कभी हो जाता है प्यार में ऐसी पोजेसिवनेस, बट दोनों का रिलेशनशिप बहुत प्यारा है। हाँ, डेफिनेटली है ना। तो आपका नजरिया अपना है, आपने अपने तरीके से बात रखी है, तो थैंक यू सो मच, आपने पहली बार अपना ऑडियो भेजा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नवीन जी, आगे आपको एक और नया ऑडियो सुनाते हैं। हेलो हंग्री स्पिरिट्स, नवीन सर, अंजू मैम, मैं पंजाब से मानसा से सिमरन बोल रही हूँ। मैं आपसे पहली बार ऑडियो भेज रही हूँ आपको। मैं ना वैसे तो मैं इसकी सिद्धनाज की फैन हूँ, शहनाज की ज्यादा फैन हूँ, सिद्धनाज दोनों की वैसे वैसे मैं फैन हूँ, बट मैं ना आज आपसे बात करने वाली हूँ विशाल की। विशाल के साथ तो बहुत बुरा किया बिग बॉस ने, बिग बॉस ने विशाल को निकाल दिया, आरती को बचा लिया। आरती को कितने कम वोट पड़ रहे थे, कोई भी नहीं लाइक कर रहा था आरती को। वैसे कंफ्यूज रहती है, अब उसकी वो क्या बोलते हैं, क्या वो कश्मीरा आई है उसकी भाभी, वो आके उसको सपोर्ट कर रही है और फिर आरती बच जाती है। बिग बॉस तो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूं, अब ये तो गलत है ना मैम, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था बिग बॉस को। विशाल को तो ज्यादा वोट पड़ रहे थे, हमने देखा था आपके चैनल पे, आपने बताया था कितने वोट पड़ रहे हैं उसको, विशाल को, आदित्य सिंह को। तो ऐसा क्यों किया मैम, आप बताइए। आप अच्छा सब बताते हैं सर, आप बताइए। आपने भी बहुत अच्छे से हमें समझाया हर बार, इस बार भी समझाइए कि क्यों ऐसे विशाल को बेईमानी करके बाहर निकाल दिया। थैंक यू सर, मेरा ऑडियो जरूर डालना। सही बात है। ये तो बिल्कुल सिमरन है मानसा पंजाब से, तो इन्होंने बिल्कुल ये आसपास के गांव से है शायद दोनों का। हाँ, ये मानसा। और मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि मैं भी उसी दिशा का रहने वाला हूँ, तो आपकी फैन फॉलोइंग है तो ये। बेसिकली नहीं, ये तो मुझे जानते भी, इनको पता भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग पटियाला शिफ्ट कर गए थे, लेकिन मेरा बचपन, मेरे कॉलेज तक की लाइफ जो मानसा में ही मैंने पढ़ा हूँ, और वहाँ पे मानसा से कुछ दूर 40 किलोमीटर दूर एक तहसील है सरदूलगढ़, तो मैं बेसिकली वहाँ से। बढ़िया बढ़िया, तो बहुत अच्छा इलाका होगा जहाँ से आप फोन हुई जी। तो सिमरन की बात करते हैं। सिमरन ने जो पूछा है कि आरती के बारे में कि आरती को बिग बॉस ने बचाया है, तो काफी हद तक सिमरन मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि इसी बार ऐसा हुआ था कि विशाल आदित्य सिंह को वोट ज्यादा पड़ रहे थे आरती से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का टारगेट विशाल को ही निकालना था, मगर विशाल को वोट ज्यादा पड़ गए। हाँ, तो और विशाल को मतलब उसमें भी कहीं पे भी चले जाओ, आप ट्रेंडिंग में देख रहे थे जो ट्रेंड्स में
वो विशाल आदित्य सिंह और आरती का काफी वोटों का फर्क दिखाई देता है। वो फर्क का कारण भी है कि जैसे कि आरती जो है नॉमिनेट है और विशाल है, और विशाल के दोनों दोस्त नॉमिनेट नहीं है जो आसिम और रश्मित सही है, तो उन दोनों ने विशाल को ऊपर लेके आए। मगर बिग बॉस तो बिग बॉस ही है, बिग बॉस ने अपना खेला तो वैसे ही खेला जैसे उन्होंने सोचा हुआ है, तो जैसे उनकी जो शो की डिमांड है वैसे ही वो खेलते हैं। तो खैर अब शो है, शो में ये चीजें आगे पीछे होती रहती है, बट आपका सवाल बहुत सही है, उसमें काफी हद तक यही बनता है कि बिग बॉस ने उस टाइम पे आरती को ही सेव करना था, क्योंकि आरती काफी ज्यादा विशाल से ऑप्शन भी ऐसा रखा, नहीं तो बिग बॉस पता है कि आज ऑप्शन रख सकते थे। देखिए क्योंकि एक बंदे ने अपने कनेक्शन को सपोर्ट किया है, हाँ। तो सिद्धार्थ शुक्ला को उसको विशाल को मना कर देते थे कि आप सिद्धार्थ को रिसीव कर सकते, हाँ। और शहबाज को कह रहे थे कि आप शहनाज को नहीं कर देते कर सकते, ठीक है, हाँ, विकास, हाँ, हाँ, हाँ। तो दोनों को ही सेव करने से मना कर दिया, सिर्फ दो ही ऑप्शन रखे, हाँ, हाँ, ये गलत, तीन ऑप्शन तो हो सकते थे, हाँ, बट यही चीज है ना कि इनका बिग बॉस क्या जो है उनको अपने हिसाब से चलना पड़ा, तीन ऑप्शन रखते तो डेफिनेटली दोनों में झगड़ा हो जाता कि किसी एक को बचाना, हाँ, हाँ, है ना, और तो क्या पता कि हाँ, तीन ऑप्शन रहते तो सिद्धार्थ को सेव कर देते। बट विकास का भी हद तक जो है ना वो इस मामले में बहुत सॉर्टेड है, उसको पता है कि बिग बॉस क्या चाहते हैं, हाँ, तो वो क्योंकि उसने बहुत बार सुन चुका है, सुना है ना, सुना इस अभी बिग बॉस ऐसा कहते बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देते कि बिग बॉस चाहते हैं, पहले बहुत बिग बॉस सीधा ही बोल देते हैं, सीधा पहले चाहते बहुत थे बिग बॉस। चलिए आगे बढ़ते, थैंक यू सो मच सिमरन, आगे भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा, आगे आपको सुनाते हैं नवदीप जी का ऑडियो, ओ कनाडा से। हाँ जी नवीन जी, कैसे हो जी? हाँ जी, आज का एपिसोड देखा, बहुत मुझे बहुत दुख लगा है, अभी इतना गलत किया है शहनाज के साथ, उसके साथ कोई लॉयल ही नहीं है, तो पहले लॉयल तो हो फिर उससे कुछ एक्सपेक्ट करना। सिद्धार्थ इतना ज्यादा करेगा एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत शॉकिंग था ये, एक छोटी सी टास्क थी, कोई बड़ी टास्क ही नहीं है, अगर ट्रॉफी होती तो क्या करता मुझे समझ लगता, एक छोटी सी टास्क थी वो, क्या उसने सिर में लगा के जफना था तेल, तो उसमें अगर लूज कर जाता है पारस जी, ये जीत जाती शहनाज तो क्या हो जाता है, पर नहीं उसे गिराने के लिए इतना कुछ बोला कि हाँ भी वो गिर जाए, और ऊपर से कश्मीरा सेम डे उसने उसके आरती को बचाया था, सेव किया था अभी शहबाज ने, इतनी जल्दी भूल गई कि हाँ भी उसे एविक्ट होने से बचाया है, फिनाले में लेकर गए है वो, तो अभी वो शहनाज लॉयल नहीं है, विकास ने गेम से निकाल दिया उसे सबसे पहले, तब ये कुछ नहीं बोला सिद्धार्थ, मैं दोनों का फैन था, शहनाज का फैन था, तो अभी भी फैन हूँ, पर ये गलत था, ये आज सिद्धार्थ गलत है जी, किसी का इतना ही दिल दुखाना चाहिए, तो ये तो बहुत हर्टिंग था, हमें देख के खुद को लगा है कि ये तो किसी का दिल दिखाने वाली बात है, इतना नहीं किसी के साथ धक्का करना चाहिए, और सारी टास्क में शहबाज ने और शहनाज ने दोनों ने सिर्फ यही कहा कि सिद्धार्थ की सपोर्ट करनी है, अपना तो नाम ही नहीं लेती बेचारी वो कि हाँ मुझे जिताओ, वो सिद्धार्थ करती रहती है, और तभी वो कहती है मेरे साथ, अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सपोर्ट करते हैं दोनों इकट्ठे हैं, पारस माहिदा की करता है तो तुम क्यों नहीं करते, वो भी एक्सपेक्ट करती है कि तुम करोगे तो वो भी करेगी। मैं पहले तो आपका ना अंदाज लव यू बहुत 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 बढ़िया लगा, ये क्या सर पे लग रहा था, जसना था तो सर पे नहीं जसना था, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं यार टास्क ऑनेस्टी से तो खेलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, टास्क के लिए मुझे मैं नहीं, हाँ। ये मानता कि टास्क के लिए वो बेईमानी कर, बिल्कुल मैं ये आपके नवदीप जो आप बात बोल रहे हैं, छोटा सा टास्क था, जो प्लेयर होता है ना उनके लिए गेम होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे रणजी ट्रॉफी हो चाहे भाई चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, जो भी हो प्लेयर तो अपनी प्ले करता ही करता है, तो जितना आप लोगों ने सोचा है ना कि शहनाज को बुरा बोला वो मुझे उतना नहीं लगा, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ गेम, और शहनाज कंटिन्यूसली आसिम को सपोर्ट करते जा रही थी, है ना, तो कहीं ना कहीं शहनाज को भी कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि अगर आपको इस समय सिद्धार्थ शुक्ला का नंबर वन दुश्मन है वो है
आसिम रियाज पारस और माहिरा शहनाज के उतने दुश्मन नहीं है। माहिरा पारस और माहिरा से पीछे भी शहनाज की फिर से वो ट्यूनिंग थी, ऐसी लड़ाई उनके बीच में कभी नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या है ना कि शहनाज की जिद फंस गई है। हाँ, कि ये पारस और माहिरा से बात ना करे, ये उसकी जिद फंस गई। जबकि ऐसा हमने देखा नहीं कि पारस माहिरा शहनाज का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जितना कि आसिम रियाज इज़दा शुक्ला के साथ करते हैं। तो मुझे आपने आप क्योंकि फैन हो, आप एक सना को ही देख रहे हो, तो मैं सिर्फ गेम को देख के बोलती हूँ कि जो वहां पे चल रहा था, चीज चल रही थी, अगर वाकई में जैसे सना के बारे में आप लोग सब लोग बोलते हैं कि ऐसा है, अगर सना को बाद में इतनी मेहनत करनी पड़ती है मनाने के लिए, तो पहले ही वो कॉजेज क्यों क्रिएट करती है, बाद में कितने पीछे पीछे पड़ती है। तो मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं पहले स्टैंड ले। कल के एपिसोड में आपने खुद ही नवदीप जी नोट किया होगा कि कहां से उसको पता नहीं कहां से पहले शुरू में जितने क्या गुस्सा आ गया उसको शुरू में कितना खूबसूरत एपिसोड की शुरुआत हुई थी। हाँ, हाँ, कि हाँ, जब हाँ, मुझे किस दे। हाँ हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ उसको हमें नहीं पता। वो इमीडिएटली मैं उसको कमरे में लेके जाऊंगी, पारस माहिरा को सपोर्ट कर रहा है, मैं कमरे में लेके जाऊंगी, तू मेरे से बात मत कर, मैं भी तेरे से बात कसम खा ले, और खुद कसम भी खा ली सिद्धार्थ शुक्ला ने, वहां पे कसम भी नहीं खाई है ना। तो ये शहनाज गिल का जो मूड स्विंग है ना, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। तो उसी का भुगतान जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला को खुद भी करना पड़ता है। बंदा कितनी बार उसको बोल चुका कि मेरे साथ मत बैठ, मेरे साथ मत सो, मगर फिर भी उसका प्यार ही ऐसा पोजेसिव प्यार है, क्या करे। तो खैर थैंक यू सो मच, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। तो आगे बढ़ते हैं, आके आपको शांति जी का ऑडियो सुना जी। हंगरी स्प्रिट मैडम जी नमस्ते, सर जी नमस्ते। मैडम देखो कल वाले में तो बिल्कुल मजा नहीं आया था, जो कल का था हमारा बिग बॉस, तो आज वाले में तो तब भी मजा आया देखा, और मैं फिर बोलने भी लगी। अच्छा मैडम मेरे को ना एक वो एक इसमें हंगरी स्प्रिट में बोल रहे थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, या सना के जो भी फैन है, मैं उन सबसे भी बोलना चाहती हूँ, यार हम आपस में क्यों लड़े, मैं ये बोलती हूँ, है ना। वैसे तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग मेरा नाम लेते हो, मुझे बड़ा मजा आता है कि चलो यार हम लोग जुड़े तो सही एक दूसरे से। बाकी तो भाई सना के बारे में तो मैंने मैडम कभी बुरा नहीं बोला, आपने देखा होगा मेरा पहले भी, मैंने सना के बारे में हमेशा बहुत अच्छा बोला, इन्होंने सुना नहीं होगा या मतलब ये सारे रिव्यू नहीं सुनते होंगे शायद, इसलिए मैं सना के बारे में बहुत बारी बहुत अच्छा अच्छा बोलती हूँ शुरू से ही। और आसिम के बारे में भी अच्छा बोला है मैंने, रश्मि के बारे में भी, जब जब मतलब जो जो जैसा करता है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ, मतलब जैसे जैसा हमारा इसमें हम बिग बॉस देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हर कोई, मतलब मैं तो बोलती हूँ कम से कम सबको, मुझे औरों का तो नहीं पता, तो मैं सबके लिए अच्छा बोलती हूँ। और दूसरी बात है कि मैडम आज का ये सना का तो देखा ना मैडम आपने, आज के शो में इसने तीन बारी मतलब अपनी गेम को पलटा है। अब मैं फिलिप नहीं बोलूँगी इसको, गेम पलटना बोलूँगी, हिंदी में बोलते हैं इसको, फिलिप में तो आप लोगों को बुरा लग जाता है ना, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोल रही गेम को पलटा है उसने तीन बारी, और दो बारी तो वो सिद्धार्थ से लड़ाई कर चुकी है, और फिर आ जाती है दोबारा इसकी। देखो मैडम सना की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना भाई, एक होता है जिसे कि भाई ठीक है मैंने इसको ये बोला है, मैं कम से कम ज्यादा घंटे नहीं तो कम से कम एक दिन तो इससे दूर रहूं, है ना। अभी तुम इतना लड़ाई करते हो, आसिम की लगाई हुई आग थी मैडम वो, है ना, आसिम ने आग लगाई, वो जब गेम में किसी एक अच्छा बोलना था मतलब, है ना, तो ये आसिम की लगाई हुई आग थी जो कि वो हर बारी लगाता है, और इस घर में हर कोई लगाता है सना में ये वाली आग, तो वो क्यों नहीं समझ पाती है इस चीज को, है ना। और वो हंस भी रहा था बाद में उसके साथ, हिमांशी के साथ और उस कौन है वो विशाल के साथ, तो मैडम वो क्यों नहीं समझ पाती इस चीज को, है ना। एक चीज मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, और वो सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ ने क्या बोला, सिद्धार्थ ने तो उसको बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं बोला, बल्कि वो ही उसको कुछ कुछ बोलती रहती है, अच्छा देखो अब मैं जाके, लोग उसको भड़काते वो भड़क जाती है, फिर लड़ने चली जाती है, फिर आ जाती है, क्या है मैडम सना, समझ नहीं आया अभी तक। और वो खुद हिमांशी के साथ बैठकर बोल रही है कि हिमांशी तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो देखो एक ही जने से तुम्हारा इतना लंबा चला है, मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैं तो बॉयफ्रेंड बदलती रहती हूँ। अपने बारे में यार आप क्या बोल रहे हो, इतने बड़े उस पे प्लेटफॉर्म में गलत चीज बोल रहे हो ना। सना सना के लिए मेरे को बड़ा मतलब वो होता है, कैसी लड़की है वो, सेम उसका भाई भी ऐसा ही है तो अच्छा है ना, लेकिन ये क्या बोलता है उसका भाई, वो भी ऐसी कर, और जबकि सना के भाई ने बोला था सना तू क्या क्या बोलती है यहाँ पे ना, देख ले तू ही बोलती है ना, वो ही तेरे आगे आ रहा है,
देख ले तू ही वो। और मैडम क्या सना ने करा नहीं है, कई बार सना ने ऐसे ही करा है गेम में, बार बार बोलती है पारस मुझे तेरे से अटैचमेंट है, पारस मुझे तुझसे अटैचमेंट है, कितनी बारी करा है उसने, तो क्या हो गया उसमें? तो सिद्धार्थ ने क्या बोल दिया कि इस तरह से करोगी तो फिर वो करेक्टर ही दिखता है ना, कौन सा हम जो दिखा रहे हैं अपने लिए, चाहे वो अच्छा वो खुद दिखा रही है ना मैडम, सारा अपने आप ही दिखाती है वो, ऐसी वो हिमांशी से बोल रही है, ऐसी वो पारस से बोलती थी, ऐसी हर किसी से बोलती है वो, क्यों करती है वो ऐसे, नहीं करना चाहिए ना मैडम उसको। फिर अब उस सिद्धार्थ की जरा सी बात उसको इतनी, वो बोल भी रहा है कि मैं तो इसमें बोल रहा हूँ है अच्छा तो तू ये और वो, नहीं गलत चीज है यार, सना को ना थोड़ा सा यार मैडम थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, समझनी चाहिए। देखो अभी तो तुम यहाँ पर हो, अंदर हो तो चलो गेम है, बाहर भी तो लाइफ होगी ना एक उसकी, वहां पे जाके तो उसको चीजें ठीक करनी पड़ेंगी ना, खुद के बारे में खुद से बोल रही है बताओ। और वो हिमांशी कितनी मतलब चला के देखो, वो इसको इस तरह से नीचे गिरा रही है, इसको सना को पता नहीं चल रहा कुछ भी। आसिम भी, आसिम तो जानबूझ के छेड़ता हर बारी बातें, दोस्त हैं वो कोई उसके, क्या बोले समझ नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैडम हम बोलते हैं, और मैं सना की फैन को यही, इसीलिए हम सिद्धार्थ को बोलते हैं कि सिद्धार्थ रियल है, वो 10 बारी बोल तो रहा ना हाँ यार मैंने तेरे को बोला हाँ तू है, हाँ मैंने बोला हाँ तू है, क्या गलत बोला, गलत तो नहीं बोला ना मैडम, बस मैं यही बोल रही हूँ। तो शांति जी मैं आपको एक बात बोलूंगी, आपने गाना सुना होगा राजेश खन्ना का कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो आप ऑनेस्टी से अपना ऑडियो डालते हो, आप ऑनेस्टी से डालते रहिए, जो सुनते हैं वो रिएक्ट करते हैं, जिनको आधा सुनता है वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो आप ये आवाज एक तो मुझे आज काफी लो लगी है, वो वाली एनर्जी नहीं लगी आपकी आवाज की जनता, तो आप बिल्कुल भी इस बात को दिल पे मत लगाओ कि आपको कोई कुछ कहता है, अगर वो आपका ऑडियो पूरी तरह से नहीं सुनता तो उनकी गलती है, है ना, अगर वो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करता तो उनकी गलती है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। बाकी गाना वापस से आप प्ले करके देख लीजिएगा, सुनिएगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो लास्ट में आपको सुनाती हूँ एक और ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम शेख रफ़ी है, मैं आज के एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आज के एपिसोड बिग बॉस देख के लग रहा है ये बिग बॉस नहीं, सास बहू और साजिश चल रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। जहाँ विशाल के फुल सपोर्ट यानी वोट जो है ना, इतने काफ़ी सारे वोट अच्छे खासे आ रहे थे, वो डिजर्व भी करता कि वो फिनाले तक खेलें। खैर आप क्या बताएं, ये चाहे विशाल का बैड लक समझो या बिग बॉस की साजिश समझो या गेम समझो, जो आरती को सेव करके विशाल को बाहर का रास्ता सीधे सीधे दिखा दिए, ये एक हो गया। और इस सना को कौन जो है ना बोल दिया कि सिद्धार्थ की जोड़ी बहुत फेमस है, गेम अच्छा चल रहा है, बकवास है एकदम, गेम बकवास छोड़ आखिरी 15 दिन बचे हुए सिर्फ जो है ना उससे इतना सिद्धार्थ गुस्से में या एक टास्क की वजह से इतना कुछ सुना देता है, फिर भी वो सब सुनने के बाद भी जो है ना उसके पास जाके माफ़ी मांगने के लिए जाता है। अरे यार बंद कर दो, कौन किसने डाला आपको ये दिमाग में, ये सर में, एक गेम है ये, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ है, आपकी इज्जत भी कुछ है, वो रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो है ना हिमांशी के सामने बता रहे कि मैं बॉयफ्रेंड, मेरा क्या है, मैं तो बॉयफ्रेंड बना के छोड़ते रहती हूँ, तू मगर तू जो ना मेच्योर है, तू सही स्टैंड ले, ये क्या बात हुई, हाँ खुद को गिरा के सामने वाले को उठाने की, ये कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि सना इतनी बेवकूफ है कि देखना ही पसंद नहीं करता मैं तो बिग बॉस, बस फिर भी दिल मानता नहीं, इस सना की वजह से देखना पड़ता बिग बॉस। और सिद्धार्थ का बिहेवियर बहुत अलग है, वो अपनी जगह जो है ना पारस मायरा भले ही कितने भी गंदगी में हो वो उनको छोड़ने वाला नहीं, ये हालांकि सना के फेस पे उसको इतना बेइज्जती करने का उसको कोई हक नहीं था, उसका दिल नाराज करने के लिए इसको कोई हक नहीं था, मगर कोई किसी को भी आप बता दो सिद्धार्थ कहीं से भी किसी को गलत नहीं लगता, क्यों वो बाद में क्लैरिटी देता है बदनाम करके, बस यही बोलने का था। तो शेख रफीक जी आपने बहुत ही वेरिएशन में ऑडियो भेजा, काफी अच्छे से आपने बोला है, तो आपने जो एंड में बोला है कि सिद्धार्थ शुक्ला को इतना कुछ बोलने का जरूरत नहीं था,
तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बट ये बात तब सही होती है अगर सना आगे से रिप्लाई नहीं कर रही होती। सना की आवाज भी उतनी ही ऊंची थी, सना भी उतनी ही लेवल पे उससे लड़ाई कर रही थी। जब दोनों बंदे बराबर की लड़ाई कर रहे हैं, बराबर के ताने दे रहे हैं दूसरे को, तो वहां पे एक को गलत और एक को सही हम नहीं बोल सकते, दोनों ही गलत है। और बाकी आप नवीन जी बताइए उसके बारे में, जो इन्होंने बीच में सना के बारे में बोला है। वो तो बात रात लाइव वीडियो में बहुत सारी बात हो रही है, वो बिल्कुल गलत बात थी शहनाज की। मतलब इतनी बड़ी जो दुश्मनी, जो कंट्रोवर्सी की वजह से आप यहाँ पे आए हो, अचानक से वो हिमांशी अपनी होगी और हिमांशी को ये बात कहनी, इतनी ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार वो बेवकूफ लगती है ऐसी चीजें, नेशनल टीवी पे आप ये कह रहे हो कि मैं तो बॉयफ्रेंड बना के छोड़ती रहती हूँ, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। तू ऐसी नहीं है, तू बहुत रिस्पेक्ट वर्दी है। और ये इतना कहाँ से हिमांशी खुराना को जानती है, मुझे तो दोनों के दोनों का कुछ खेला लगता है। हिमांशी खुराना और शहनाज गिल का जब आई थी तब ऐसा था कि ये दोनों सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां निकालती थी। और हम तो मिले ही नहीं, हम तो मिले ही नहीं है हिमांशी खुराना, शहनाज ने तो खैर ये नहीं बोला, हिमांशी ने बोला हमने तो एक दूसरे को अभी फेस टू फेस मिले नहीं है। बट अब जो देख रहे हैं हम लोग खेल, तो वहां तो लगता है कि फैमिली तक मिल चुके हैं। अरे और शहनाज की इसको देख के बोलते हैं कि इसको छेड़ते थे ना, हाँ इसको छेड़ते थे ना बचपन में, और वो सारी चीजें सुन के लगता है कि ये क्या है, कैसा गेम है ये, है ना। और बाकी आपने बड़े अच्छे से बोला कि शहनाज की वजह से कई बार देखने को मन नहीं करता, फिर शहनाज को देखने के लिए फिर से देखने को मन करता है। तो ये है फैन, तड़पते भी है, दुखी भी होते हैं। मैं तो खुद शहनाज को जैसा करते हैं मुझे, क्योंकि शहनाज दे वन से नहीं, लेकिन उसके बाद एक आध हफ्ते के बाद से शहनाज मुझे अच्छी लगती है। लेकिन शहनाज जब ऐसी गलतियां करती है तो गुस्सा भी आता है, फैन को गुस्सा भी आएगा। बाकी विशाल वाली बात पे हमें भी अफसोस है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी वो। हाँ विशाल आदित्य सिंह नहीं निकलता, आरती ही डिजर्व करती थी, ये बात सही है। और बाकी मैं आप सबसे ही पूछना चाहती हूँ, पारस और माइनर ऐसा क्या बिगड़ा है? हाँ यार है, वो शुरू से बन गई, मतलब नहीं वो शुरू से था, जो था वो था। अब पारस माइनर जो है बहुत सही से चले, जब से पारस सीक्रेट रूम से बाहर आया है उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो इतना आप दिल में रख के बैठे हुए हो, सब जो फैंस हैं वो सब दिल में रख के बैठे हुए हैं, वो सब होगी, बातें खत्म होगी, शो आगे बढ़ गया, आप लोग भी आगे बढ़ो अभी। क्योंकि कोई बंदा ऐसा थोड़ा कि मैंने साल पहले कोई गलती कर ली थी तो आप वो उस अभी भले कितना सुधर गया, आप बोलो साल पहले तूने की थी ना, ये गंदा बंदा है। नहीं बट इसी शो में नवीन जी, हाँ वही साल पहले उदाहरण दे, नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आपके उदाहरण को सही बोल रही हूँ, मैं बोली इसी शो में हमने देखा कि जो शुरू के हफ्ते में कुछ लोग जो दोस्त थे वो दुश्मन बने, और फिर जो दुश्मन थे वो दोस्त बने। तो दोस्त दुश्मन तब और दुश्मन दोस्त तभी बनता है जब आप गलतियां माफ करके आगे बढ़ते हो, है ना। तो अगर आप फैंस को भी ये करना चाहिए। और पारस माहिरा ने देखिए, चाहे भले ही कितनी भी मुझे इस बात पे गालियां भी पड़े, लेकिन वो एक ऐसे कपल है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की बात भी मानी। हाँ, उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया सब कुछ। हाँ, बिल्कुल, वो बंद मतलब बहुत कम तो कर दिया, कम कर दिया, भाई के आने के बाद बिल्कुल ही देखा ही नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो चलिए बहुत लंबा हो गया हमारा कहना आपको, तो बढ़िया ऑडियोज भेजे हैं आप सबने, जिन्होंने पहली बार भेजा उनका मोस्ट वेलकम, वापस फिर से इंतजार रहेगा आपका। और बाकी शो का नंबर जो है वो नवीन जी बताएंगे कहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो भेजने। नंबर है 9833155523। इस पे आप अपने ऑडियो और वीडियो भेजिए और बने रहिए हमारे चैनल हंगरी स्पिरिट्स के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.